एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। महोदय मेरी बात सुनिए आप, ये ठीक है, जांच हो रही है, दोषी साबित नहीं हुआ है, लेकिन इन बीजेपी के अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया, ये कहकर जब तक ये जांच साफ नहीं होगी हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है, या तो अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा दे दें, या इस्तीफा दे लें, जांच हो जाए। देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो है कि किसी के ऊपर आरोप लगने के बाद उसको आरोपित करार दे देना, एफआईआर तो होती है, बहुत सारी एफआईआर हुई हुई है, बहुत सारी एफआईआर हुई हुई है, बहुत सारे जो बहुत सारी इंक्वायरी चल रही है, बहुत सारे लोग इस्तीफा लेंगे क्या वो देगा कि नहीं देगा, एक ही जवाब नहीं लेंगे, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे, सारी परेशानी की बात है, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, इस्तीफा नहीं, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते नहीं लेंगे, तब तक कोई भी कोई इस्तीफा लेने का मकसद नहीं है। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते कोई भी आरोपी करार नहीं दिया जा सकता, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते कोई भी आरोपी करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए बहुत सारे देखिए जब तक उस देखिए ये सिर्फ ये इस तरह का व्यवहार देखिए इस तरह का ये जो बैनर और ये बना करके लाना ये ठीक नहीं है। देखिए ये बिल्कुल देखिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। देखिए अब हो गया ये नहीं दे ऐसा कि आरोप किसी के